दोस्तों क्या होगा अगर आपका वजन 50 किलो से सीधा 50,000 किलोग्राम हो जाए तो, और दुनिया का सबसे पावरफुल कैमरा कौन सा है और कितने मेगापिक्सल का है वो कैमरा, जोमेटो पर कैंसल किए गए ऑर्डर के साथ आखिर क्या किया जाता है और केएफसी ने वेजिटेरियन चिकन को आखिर कैसे बनाया, जानेंगे धुआंधार फैक्ट्स पर आज के इस नए एपिसोड में। सो हेलो गाइज, मैं हूँ आरजे और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। लेकिन यार वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, और वो बात ये है कि हमारे सब्सक्राइबर भले ही कम है लेकिन हमारे वीडियोस काफी इंटरेस्टिंग होती है। अब काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमारी वीडियोस को देखते तो है लेकिन कम सब्सक्राइबर देखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते। अब यार ये तो गलत बात है ना। अब अगर आप ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हमें सपोर्ट कौन करेगा। तो दोस्तों प्लीज ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, आप हमारे वीडियोस को देखिए और पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि आपके द्वारा मिले गए एक सब्सक्राइब से हमें काफी ज्यादा खुशी मिलती है और हम मोटिवेट भी रहते। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 5, दोस्तों बुलेट एक ऐसा बाइक है जिसकी मजबूती और पावर के सामने महंगे महंगे बाइक भी शर्मा जाते हैं। ये सब तो आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन क्या ये बुलेट सच में इतना पावरफुल होता है? इसी चीज को देखने के लिए दिलराज भाई ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें एक बुलेट से फॉर्चुनर कार को खींच कर देखना था। पहले तो आप सबको ये बता दे कि जिस तरह बाइकों में बुलेट को घोड़ा कहा जाता है, ठीक उसी तरह कारों में फॉर्चुनर को भी घोड़ा कहा जाता है। सबसे पहले तो एक रस्सी से कार को बांध दिया जाता है और फिर कार को चालू कर दिया जाता है, क्योंकि आपको ये तो पता ही होगा कि जब ये कार ऑफ होती है तो इसका स्टेयरिंग काम करना बंद कर देता है। इसीलिए स्टेयरिंग को संभालने के लिए गाड़ी को चालू करना ही पड़ता है और उसके बाद वो लोग न्यूट्रल में डाल देते हैं पर हैंड ब्रेक को हटा देते हैं। फिर देखिए बुलेट कैसे अपना कमाल दिखाने लगता है। वैसे आपको बुलेट पसंद है या फॉर्चुनर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। नंबर 4, दोस्तों क्या कभी आपने सोचा है कि क्या होता अगर हमारी पृथ्वी सूरज के जितनी बड़ी होती तो? अगर नहीं सोचा है तो जानकारी के लिए बता दूं कि अगर हमारी पृथ्वी सूरज जितनी बड़ी होती तो नॉर्मल सी बात है कि पृथ्वी की ग्रेविटी भी बढ़ जाती और वो भी 30 गुना ज्यादा। मतलब कि यार आपका वजन 100 किलोग्राम है तो पृथ्वी की साइज बढ़ने पर आपका वजन 30,000 किलोग्राम हो जाता और हर इंसान की मौजूदा उम्र भी बढ़ जाती। इसके साथ ही पृथ्वी पर समय काफी ज्यादा स्लो हो जाता, यानी कि पृथ्वी का एक दिन करीब एक महीने जितना बड़ा हो जाता। अब जाहिर सी बात है कि दिन साथ साथ रात भी एक महीने की हो जाती। नंबर 3, दोस्तों जिस तरह हम इंसानों के पास दो आंखें मौजूद है ठीक उसी तरह परसिवेरांस रोवर के पास भी दो आंखें मौजूद है, यानी कि दो कैमरास मौजूद है जिसकी मदद से ये रोवर ये पता लगाता है कि अब उसको किस पाथ पर ट्रैवल करना है और किस चट्टान को एज ए सैंपल कलेक्ट करना है। इसके पास इतनी ज्यादा पावर होती है कि ये जमीन पर मौजूद किसी भी चीज को लेजर अटैक करके प्लाज्मा में कन्वर्ट कर सकता। इसके पास मास कैमजी नाम के दो कैमरास भी है जिन्हें राइट और लेफ्ट में लगाया गया है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सिर्फ वो दो कैमरास की कीमत $2 करोड़ से भी ज्यादा है। इसके अलावा भी इसमें 23 और भी छोटे छोटे कैमरास लगाए गए हैं। नंबर 2, दोस्तों मुझे पता है कि आप सभी लोग स्विगी और जोमेटो पर खाना तो ऑर्डर करते ही होंगे, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि जब ऑर्डर किए गए खाने का ऑर्डर कैंसिल कर दिया जाता है तो वो खाना कहाँ जाता है? क्या उस खाने को वो लोग डोनेट कर देते हैं या फिर डिलीवरी बॉय को दे दिया जाता है या फिर उसे फेंक दिया जाता है? वेल आपको बता दे कि अगर ऑर्डर कैंसिल होता है तो उस खाने का क्या होगा वो सिचुएशन पर डिपेंड करता है। यानी कि अगर खाने की लोकेशन बहुत ही ज्यादा दूर की होती है तो वो खाना डिलीवरी बॉय को ही दे दिया जाता है या फिर डोनेट कर दिया जाता है। लेकिन अगर ऑर्डर काफी ज्यादा नजदीक में होता है तो फिर उसे रेस्टोरेंट में वापस भेज दिया जाता है। नंबर 1, दोस्तों अगर आप शाकाहारी है और चिकन आपको अच्छा भी लगता है तो आप आगे चलकर चिकन खाने का मजा भी ले पाओगे। जी हाँ दोस्तों, दुनिया की जानी मानी अमेरिकन कंपनी KFC ने प्लांट बिल्ड चिकन तैयार करने में कामयाबी हासिल कर ली है और अब वो इस शाकाहारी चिकन से अलग अलग डिशेस बनाने की तैयारी कर रहा है। कंपनी ने सबसे पहले ब्रिटेन में प्लांट बेस्ड चिकन बेचना शुरू कर दिया है। KFC की ओर से बहुत ही जल्द इंडिया में भी आपको शाकाहारी चिकन मिलने लगेगा। तो दोस्तों ये थे देश और दुनिया से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो में आपने काफी कुछ नया नया सीखा होगा और अगर सीखा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आपको ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अपना और अपनों का ख्याल रखना। धन्यवाद।